नमस्कार दोस्तों, करियर एचएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल करियर डेटा। जो फर्स्ट टाइम चैनल पे है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो को प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में हम कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे। जो लोग सीएसआईआर यूसी नेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी कमाल की क्लासेस लेकर के आया है, वो भी लाइफ साइंस के लिए। तो इसमें जो पूरा प्रोसीजर है कि आपको किस तरह से सीएसआईआर यूजीसी नेट 2021 क्रैक करना है, सारी डिटेल अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के गाइडेंस पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक बना करके दे दिया है, उस पर क्लिक करके इनरोल कर लें। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, ये जो क्लासेस होंगी वो अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर हैं उनके द्वारा होने वाली है। तो अभी प्राइस जो है वो 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल रहा है और प्राइस बहुत जल्दी हाइक होने वाली है। तो आप लोग जो मेरा कोड है करियर अड्डा 10 उसको यूज करके 10% का एडिशनल डिस्काउंट पा सकते हैं। और अपने दोस्तों फैमिली जो लोग भी इंटरेस्टेड है उनके साथ शेयर करिए और इस प्लस सब्सक्रिप्शन को लेकर के अपने करियर को एक मोमेंट दीजिए। डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक बना करके दे दिया है, करियर अड्डा 10 कोड यूज करके आप इस प्लस सब्सक्रिप्शन पे 10% का एडवांस डिस्काउंट पा सकते हैं। वीडियो में हम कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि ग्रेजुएशन वालों के लिए प्राइवेट कंपनियों में जॉब की भरमार आने वाली है। चाहे आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या मास्टरी किया हुआ है, प्राइवेट कंपनियों में आपके लिए भरपूर जॉब है। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, प्राइवेट कंपनी में जॉब सही नहीं है, प्राइवेट कंपनी में ऐसी है वैसी है, बहुत सारे आपको लेक्चर देंगे, बहुत सारी चीजें एड ऑन करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से अगर प्राइवेट कंपनीज नहीं होती तो बहुत बड़ी बेरोजगारी होती, बहुत सारे लोग बेरोजगार होते, जॉब ही नहीं होती। तो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, चाहे आपने बीए किया हुआ है, चाहे बीएससी किया हुआ है, बीकॉम किया है, एम है, और चाहे आपने बीबीए किया हुआ, बीसीए किया हुआ है, कुछ भी आपने ग्रेजुएशन में किया या मास्टरी में, एमटेक किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है और एमकॉम किया हुआ है, जो भी आपने किया हुआ है उसका बेनिफिट्स आपको मिलेगा प्राइवेट इंडस्ट्री में। प्राइवेट इंडस्ट्री में टैलेंट चाहिए, प्राइवेट इंडस्ट्री में डजंट मैटर कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन ऑब्वियसली डिग्रियां जो होती है वो आपको एंटर जरूर कराती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को बताया कि डिग्रियां आपको एंटर कराती हैं कंपनीज में। वो जैसे आपने ग्रेजुएशन में बीटेक किया हुआ तो बीटेक आपको एक एंटर जरूर कराएगा प्राइवेट इंडस्ट्री में। उसके बाद आप अपने आप को कितना एक्सप्लोर करते हो, बीएससी करने के बाद अगर आपने सी लैंग्वेज का कोर्स कर लिया या पाइथन कर लिया, कुछ भी कर लिया, बीकॉम करने के बाद अपने अकाउंट्स में कुछ कर लिया, टैली कर लिया, तो भी आपके लिए जॉब है। 20,000 से 25,000 की जॉब इजिली मिल सकती है आपको प्राइवेट इंडस्ट्री में। प्राइवेट इंडस्ट्री में मैंने बताया कि आपको जॉब लेना है तो सबसे पहले आपको अपनी एक स्पेशलाइजेशन लेना पड़ेगा किसी भी कोर्स में उससे रिलेटेड जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो बैकएंड डेवलपर हो, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो या ऑटोमेशन हो, कोई भी कोर्स हो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो उसमें हो। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो टेक्निकल में, तो भी आप कुछ ट्रेनिंग ले सकते हो, रोबोटिक्स की ट्रेनिंग ले सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग है जिनको इंजीनियरिंग फील्ड में भी आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अभी जो जॉब की सिचुएशन है वो डे बाय डे बढ़ी रही है। कोरोना में थोड़ा इशू आया था लेकिन वो सारी चीजें अभी हट गई हैं और चीजें फिर से नॉर्मल हो रही हैं और जॉब बहुत ज्यादा है ग्रेजुएशन के लिए। एटलीस्ट आप ग्रेजुएट होंगे तो आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। 12th बेसिस पे उतने सारे जॉब नहीं मिल पाते हैं, लेकिन ग्रेजुएट अगर आप हो और आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर सीखने की ललक है, हुनर है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो ग्रेजुएट होने के बाद। लेकिन ये चीजें आपको खुद समझनी पड़ेगी, प्राइवेट इंडस्ट्री में आपके लिए बहुत जॉब है। आपको अपनी सीवी बनाइए, naukri.com पे डालिए, इंडीड पे डालिए, साइन पे डालिए, और भी जॉब की पोर्टल बहुत सारी आ गए उन पे डालिए, देखिए आपके लिए क्यों नहीं जॉब मिलती है। कोई कोर्स करिए आप मार्केट में, महीने, 2 महीने, 3 महीने का ट्रेनिंग करिए, अप्रेंटिस करिए, ये सारी चीजें जब आप करोगे ना तो ऑब्वियसली आपको जॉब मिलेगी। ऐसे ऐसे बंदों को मैंने देखा 2-2, 3-3 हजार महीने से जॉब स्टार्ट करके ट्रेनिंग करके आज लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। तो ये आपके लिए भी एक सबक हो सकता है और आप अगर मेहनत करोगे तो ऑब्वियसली आपको अच्छी खासी प्राइवेट जॉब ग्रेजुएशन के बाद मिलेगी। एटलीस्ट आप ग्रेजुएशन जरूर करें, उसके बाद अगर मास्टरी में इंटरेस्टेड है तो मास्टरी भी आप कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप लोगों का क्या फीडबैक है कि क्या ग्रेजुएशन बाद प्राइवेट कंपनी में जॉब इजिली मिल जाता है या नहीं मिलता है, कमेंट करके मेरे को बताएं। फिर इस पे एक डिटेल वीडियो और बना करके बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।